बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, यखनी पुलाव। और उसके लिए सबसे पहले मैंने लाइट गई हुई थी इसलिए वीडियो पहले नहीं बनाई। मैंने ये चिकन, इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर शामिल करके पानी डाल के 3-4 गिलास, और उसमें नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया कुटा हुआ और साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डाल के यखनी बना ली है। और बाकी की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए हैं, ये हैं कच्ची बासमती हैं, लेकिन ज़्यादा देर भिगोए रखें, फिर थोड़ा पानी कम डालें तो चावल ज़रा अच्छे बनते हैं। हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं। तो ये जिस तेक्चे में मैंने यखनी बनाई है उसी में ही मैंने यखनी छान दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ये प्याज ब्राउन करने रख दूँ कि कहीं फिर से लाइट ना चली जाए, फिर किचन में अंधेरा होता है। तो हम इसमें ऑयल शामिल करते हैं इस देखिए में। मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं और ये साथ यखनी मैंने स्ट्रेन करके बाउल में रखी है। इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी, ये मेरे पास इमली है, और ये डालूँगी चिकन क्यूब है, हरी मिर्ची हैं, और थोड़ा सा मेरे पास पुलाव बिरयानी मसाला है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। मैं इसमें प्याज शामिल कर दी जी। तो देखें प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। मैंने यखनी बनाते हुए उसमें टमाटर ऐड कर दिया था, टमाटर का पेस्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने बनाया है, तो मैं वो ज़्यादा यूज़ वही करती हूँ, मुझे वो पसंद ऐसा आया है। आप भी कभी ट्राई करें, मेरी चैनल पर है उसके तरीका बनाने का। और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। देखें ये प्याज ब्राउन हो गए हैं तो हम इसमें ये ऐड करें जी। तो ये देखें चिकन इसमें भून रहा है, और मैं इसमें साथ ही हरी मिर्ची शामिल करती हूँ, इमली शामिल करती हूँ। ये देखें ज़रा स्पाइसी से बनाते हैं पुलाव को। ये देखें ये मैंने 1 पैकेट शामिल कर दिया इमली का, तो चावल ज़रा ज़्यादा हैं तो मैं इसमें 2 पैकेट शामिल कर रही हूँ। बस इस तरह मैं खुली इकट्ठी नहीं ले सकी, ये छोटे पैकेट मैंने अभी करीब ही शॉप से मंगवाए हैं, बस वो इस तरह के छोटे छोटे पैकेट बन रहे हैं। और साथ ही ये मैं मसाला शामिल करती हूँ, सॉरी ये हाथ से मेरा फिसल गया है। स्पाइसी करने के लिए मैंने इसमें यखनी बनाते हुए लाल मिर्च शामिल की थी अपने जायके के हिसाब से, और अब मैंने दोबारा से इसमें डाली है ताकि ज़रा स्पाइसी मज़े के बने। मेरे घर में ज़रा मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं, तेज़ पसंद करते हैं मसाला। और साथ ही मैं इसमें चिकन क्यूब शामिल कर दूँगी, फिर इसमें यखनी शामिल करती हूँ और फिर बॉयल आने का वेट करते हैं। ये मैंने ये शामिल कर दिया, अब मैं यखनी इसमें डालूँगी। मैंने लिए थे 3 बाउल लिए थे, 3 साढ़े 3 बाउल लिए, 3.5 बाउल चावल के थे और उसमें मैंने 6.5 पानी के डाले हैं, 4 यखनी के थे और बाकी सादा पानी डाला है। और हम कलर भी इसमें पुलाव में बिरयानी में ऐड करेंगे, तो अभी साथ में वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और फिर मैं जैसे इसमें बॉयल आता है तो मैं इसे कवर कर रही हूँ, फिर इसमें हम चावल डालेंगे। देखें बड़ा अच्छे से बॉयल हो रहा है, अब इसमें मैं चावल शामिल कर रही हूँ, उसके बाद नमक चेक करेंगे और फिर इसका पानी खुश्क होगा तो इसे दम पर रखेंगे। साथ साथ रहें, नमक वगैरह चेक किया है, थोड़ा सा पानी रहता है जो खुश्क हो जाए, फिर हम इसे दम लगाते हैं और फाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे चावल दम पे आ गए हैं पुलाव हमारा, तो इसमें मैं कलर शामिल करूँगी इसी टाइम। देखिए मेरे पास कलर है तो ये मैं ऐसे ड्राई ही इसमें शामिल कर रही हूँ, जब इसका दम खोलेंगे तो फिर देखिए कलर किस तरह का आता है। मैंने इसमें कलर शामिल किया है और ये मैं इस पर ढक्कन बंद करके तवे पे, मैंने तवे को पहले गर्म करना रख दिया था, तो अब ये देखें इसे हम 10 मिनट बाद खोलेंगे, दम चेक करेंगे। मेरी बेटी ने इसके साथ सैलेड कह लें, हम लोग रायता बनाते हैं जो हमें पसंद है, मेरे घर में पसंद किया जाता है। इसमें हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, खीरे बारीक कटे हुए, अब इसमें हम दही शामिल करेंगे और ये सैलेड और रायता दोनों का काम करेगा। तो देखें व्यूअर्स, मज़ेदार सी हमारी पुलाव बिरयानी कह लें यम्मी सी रेडी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये साथ देखें रायता मज़े का बन चुका है, तो
इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।